यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, दोज हु आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, दे शुड बी किल्ड, दे शुड बी एलिमिनेटेड, दे हैव नो प्लेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ केरला। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है, केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया था। ठीक उसी प्रकार जब राजस्थान में 2022 मई के महीने में चिंतन शिविर हुआ, यही वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। राहुल गांधी, आग से आपका इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5,000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।